मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा मिश्रा फ्रॉम शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर से पार्ट 2, पार्ट 9 और पार्ट 12 का दोहरान करेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पार्ट 2। आप सभी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। बुक में पेज नंबर 5 दिया हुआ है, वर्ण तथा शब्द, जो हमारा पार्ट 2 है, वर्ण तथा शब्द। सभी अपनी बुक में पार्ट 2 ओपन कर लीजिए। यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे वर्ण। बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, और वर्णों का व्यवस्थित क्रम, जो क्रम बना हुआ होता है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर व्यंजन। स्वर जो है हमारे कितने होते हैं, आप सबको पता है कि स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। और जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो हमारी जो वर्णमाला है वो क्या कहलाती है, 44, यानी 44 जो हमारी वर्णमाला बन जाती है। अब आते हैं स्वर के बारे में जानते हैं। स्वर जो होते हैं बच्चों, 11 होते हैं और इन्हें बिना किसी वर्णों की सहायता के बोला जा सकता है। लेकिन व्यंजन जो होते हैं वो जब तक अपने रूप पे होते हैं वो आधे होते हैं, और हलंत के द्वारा उन्हें व्यक्त किया जाता है। जब वर्णों को स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है, तो वर्णों में जब हम स्वर मिलाते हैं तो वे पूर्ण होते हैं, और उसके बाद वो हलंत जो होता है वो हट जाता है। यानी जब वर्ण के अंदर स्वर आते हैं तो क्या हो जाता है, वर्ण पूर्ण हो जाते हैं और उनका हलंत जो है हम हटा देते हैं। अब अगर स्वर अ है तो हम अ की कोई मात्रा नहीं होती, हम अ ले रहे हैं। लेकिन अगर स्वर कोई और होता है तो हम उसी उसके अकॉर्डिंग ही अपन यहाँ पर लिखते हैं। अगर अ की जगह आ होता तो यहाँ क्या बन जाता, का बन जाता। तो इस प्रकार से हमारे वर्ण स्वरों, व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। और स्वर जो होते हैं इनके दो रूप होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो यहाँ ह्रस्व स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये आपकी बुक में पुस्तक में दिया हुआ है, हम उसको पढ़ेंगे। तो हमें ह्रस्व यानी कि जो ह्रस्व स्वर हैं वो कौन कौन से हैं, अ, ई, ऊ, री, और दीर्घ स्वर कौन से हैं जिन्हें ज़्यादा बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है, अ से ज़्यादा समय लग रहा है यानी दुगना समय लग रहा है, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो यहाँ हमने जाना कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन आपकी जो व्यंजन की वर्णमाला है आपकी बुक में दी गई है, ठीक है। अब आ जाते हैं अन्य वर्ण पर। तो अन्य वर्ण भी हमारे यहाँ तीन प्रकार से दिए हुए हैं, इन वर्ण का भी हमें प्रयोग करना होता है। तो अन्य वर्ण के बारे में हम जानते हैं, अन्य वर्ण क्या है। अन्य वर्ण में हमारे आता है बच्चों सबसे पहले अनुस्वार। आप सब जानते हैं अनुस्वार क्या होता है और अनुस्वार का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, अंगबिंदी, यानी अंगबिंदी क्या कहलाती है, अनुस्वार। जैसे हम एक शब्द लिख लेते हैं शंख, तो यहाँ हमने किसका प्रयोग किया है, अनुस्वार का। उसी प्रकार हम ले लेते हैं अनुनासिक, जिसे हम हमारी भाषा में क्या कहते हैं, चंद्रबिंदु। बहुत आराम से जब हमें समझ में आता है तो वो हमारा कहलाता है चंद्रबिंदु। और चंद्रबिंदु हम कैसे व्यक्त करते हैं, इस तरीके से। तो हम ले लेते हैं जैसे चांद, चांद पर हम क्या लगाते हैं, चंद्रबिंदु। ये हमारा चंद्रबिंदु के द्वारा बना शब्द चांद। इसी प्रकार हम ले लेते हैं विसर्ग। विसर्ग आप जब क्लास आगे की कक्षा में आएंगे तो आपको विसर्ग संधि भी मिलेगी। विसर्ग संस्कृत जब आप पढ़ेंगे तो विसर्ग का सबसे ज़्यादा प्रयोग संस्कृत में होता है, तो विसर्ग के प्रयोग को भी आप जानेंगे। लेकिन आप ये भी आगे पढ़ते हुए आ रहे हैं कि विसर्ग क्या होते हैं। जैसे हमने यहाँ विसर्ग के दो जो बिंदु होते हैं वो लगाए हैं, यहाँ ये क्या कहलाता है,
विसर्ग कहलाता है। और इसको हम कैसे उच्चारित करते हैं, इसको हम ह उच्चारित करते हैं, जैसे अतः प्रातः, तो यहाँ विसर्ग क्या है, ह का उच्चारण देने वाले शब्द वर्ण शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ अब आ जाते हैं हम संयुक्त व्यंजन पर। बच्चों संयुक्त व्यंजन भी यहाँ हमारे चार प्रकार के दिए गए हैं। संयुक्त व्यंजन यानी दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो इनके बारे में भी हम जानते हैं, आपने इससे पहले भी पढ़ा है संयुक्त व्यंजन के बारे में। और संयुक्त व्यंजन से बने शब्द भी हमें प्रयोग में हम लेते हैं, जैसे आपके यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है किस तरीके से हमने संयुक्त व्यंजन बनाए हैं, वो संयुक्त व्यंजन। अब आते हैं कैसे बना संयुक्त व्यंजन। क क यानी आधा क हम लेते हैं और श, ठीक है, इससे मिलकर बना छ, और छ से मिलकर हमारा शब्द क्या बनता है, हम लिखते ही हैं कक्षा या रक्षा, इस तरीके से क्षत्रिय, ठीक है, ये हमारा संयुक्त व्यंजन वाला शब्द है। ऐसे ही हमने लिया त हलन यानी आधा र, आपस में मिला तो बन गया त्र, त्र से हमारे बहुत सारे शब्द बनते हैं। हम यहाँ ले लेते हैं मित्र, त्रिशूल, इस तरीके से आपके संयुक्त व्यंजन से बनने वाले शब्द हैं। उसी प्रकार हम ले लेते हैं ज या, और इससे मिलकर बना ज्ञ, ज्ञ ज्ञानी वाला ज्ञ, तो यहाँ हो गया ज्ञान विज्ञान, आप जो भी शब्द बनाएंगे वहाँ ज्ञ का प्रयोग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं श और र, श र आपस में मिला तो बन गया श्र, और इससे बनने वाला शब्द है हमारा श्रम आश्रम, इस तरीके से हम इसके संयुक्त व्यंजन के शब्द बनाते हैं। अब आ जाइए आप अपनी बुक के पेज नंबर 7 पर, जहां आपको द्वित व्यंजन दिए गए। बच्चों द्वित व्यंजन हम सभी जानते हैं, जब एक ही व्यंजन का दो बार प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, द्वित व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन उन्हें दो समान व्यंजनों को मिलाने में जो पहला व्यंजन जो होता है हमारा वो स्वर रहित होता है। द्वित व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन जो होता है वो स्वर सहित होता है। तो द्वित व्यंजन क्या है, सबसे पहले द्वित व्यंजन में हम ले लेते हैं व्यंजन, इसमें हम ले लेते हैं, जैसे पहला जो हम व्यंजन लेंगे ना वो चाहे तो हम आधा लिखें या उसे इस तरीके से भी हम आधा बिना स्वर के बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जहाँ हलंत लगा होता है वहाँ हम क्या मानते हैं, इसमें स्वर नहीं है, तो हम यहाँ आधा ले रहे हैं और साथ में पूर्ण यानी स्वर सहित वाला ले रहे हैं, तो ये आपस में मिला तो क्या बन गया, द्वित व्यंजन, और इससे बना शब्द हम क्या लेंगे, जैसे पक्का मक्का, ठीक है, इस तरीके से हम बनाएंगे। ऐसे ही ले लेते हैं जैसे च, च जब है आधा है, ठीक है, और जैसे ही हम साथ में स्वर वाला ले लेते हैं, यहाँ आधा लिया है हमने तो ये आपस में मिले तो क्या बन गया, यहाँ च च, तो यहाँ हमने शब्द क्या बनाया, बच्चा, ठीक है, कच्चा, इस तरीके से द्वित व्यंजन से बनने वाले शब्द हैं। अब बच्चों आप अपनी बुक में देखिए स्वरों की मात्राएं, यहाँ आपको स्वरों की जितनी भी मात्राएं होती हैं उसका चार्ट दिया गया है, आप इस चार्ट को एक बार दोहराएंगे ताकि आपको याद आ जाए कि हम स्वरों की कौन कौन सी मात्राओं को प्रयोग में लाते हैं। इस तरीके से हमने जाना कि किस तरीके से हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं और कितने भेद होते हैं, कैसे क्या 11 कैसे स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। एक और चीज़ मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ कि
चलिए हम बच्चों एक ले लेते हैं शब्द वर्ण विच्छेद से जुड़ा हुआ, जिसमें आपको बताएंगे कि वर्ण और विच्छेद, वर्णों का विच्छेद कैसे करते हैं। अभी हमने स्वर और उसके बारे में जाना था, व्यंजन के बारे में, तो हम वर्ण विच्छेद ले लेते हैं आपकी बुक के। देखिए धर्म, तो हम लेते हैं ध। अब ध के अंदर हमने क्या निकाल दिया, ध के अंदर से अ, अ स्वर निकाला, तो यहाँ अ स्वर हो गया। अब लेते हैं हम यहाँ पर र, र क्या है, व्यंजन है, इसमें से हमने क्या निकाल दिया, स्वर निकाल दिया, तो यहाँ हो गया यहाँ पर अ। र जो है वो हमारा आधा है क्योंकि मात्रा के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक, तो यहाँ र बिना स्वर के है, तो यहाँ हो गया र। फिर म, और म के अंदर क्या स्वर है, अ, तो यहाँ क्या बन गया हमारा शब्द, धर्म। धर्म में र की मात्रा है तो इसमें स्वर नहीं है, तो यहाँ हमने जो हलंत से बताए गए हैं व्यंजन वो बिना स्वर के हैं और स्वर हमने इसमें से निकाल दिए हैं, तो ये क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद। यहाँ हमने वर्ण विच्छेद करके जाना कि व्यंजन और स्वरों को जब हम अलग करते हैं तो किस प्रकार से लिखेंगे। जब हम इन्हें अलग करेंगे तो इनके नीचे हम हलंत लगाएंगे और इनके साथ में हम उन स्वरों का प्रयोग करेंगे जो स्वर इनके साथ दिए गए हैं। अगर इनके साथ अ की जगह कोई मात्रा वाला स्वर होता तो हम उसका प्रयोग करते, चाहे ई होता, ओ होता, आ होता, जो भी स्वर होता हम उसे निकाल कर वहाँ लिखते। तो इस प्रकार से हमने पाठ दो में स्वर और व्यंजन के बारे में जाना और साथ में पता चला कि हम किस तरीके से स्वरों को, अन्य स्वरों को भी जान सकते हैं और साथ में व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, इसको जाना। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे पाठ 9 वाक्य। आप सभी अपनी बुक में पेज नंबर 54 ओपन कर लीजिए, यहाँ आपका पाठ 9 वाक्य दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं वाक्य के बारे में, शब्दों का वह समूह यानी ग्रुप, समूह जिससे एक निश्चित अर्थ का ज्ञान हो वाक्य कहलाता है। इससे पहले हमने जाना था वर्ण, वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, शब्द, और शब्द जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, वाक्य। यानी कि एक समूह जब होता है इकट्ठा या ग्रुप बनता है तो वो समूह क्या, एक निश्चित अर्थ, जिसका भी एक अर्थ होना चाहिए। हमने कोई भी शब्द कहीं रखकर हम वाक्य नहीं बना सकते, तो जहाँ हम निश्चित अर्थ बताते हैं और एक क्रम बताते हैं वह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। दूसरी बात, वाक्य में हमें कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक होता है और कर्ता, कर्म, क्रिया, तो यहां ये क्रम होता है वाक्य के अंदर जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया होना आवश्यक है। जैसे हम लेते हैं माली, माली क्या है, यहाँ हमने कर्ता के नीचे लिखा है तो ये हमारा कर्ता। माली पौधों पौधों या पौधे हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पौधों को पानी देता है, पानी देता है, तो यहां कर्ता दिया, कर्म क्या है आपका, पौधों को पानी देता है, क्रिया, तो यहां ये क्रम दिया गया है, ठीक है, मतलब कर्ता जो काम कर रहा है, कर्म क्या है उसका, पौधों को, और क्रिया क्या है, पानी देता है, तो इस प्रकार से क्रम होता है। अब आ जाते हैं बच्चों हम वाक्य के भेद पर। वाक्य के यहाँ तीन भेद दिए गए हैं। सबसे पहले वाक्य दिया गया है हमारा सरल वाक्य और दूसरे नंबर पे दिया गया है प्रश्नवाचक वाक्य और नंबर तीन पे दिया गया है निषेधात्मक वाक्य। अब सबसे पहले हम सरल वाक्य देखेंगे। सरल वाक्य यानी सामान्य रूप से कहे या लिखे गए वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं
उसी प्रकार प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य तो आप सबको समझ में आता है, जिन शब्दों के द्वारा या जहां हम कुछ जानने के लिए प्रश्न पूछते हैं या प्रश्न करते हैं वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। और तीसरे नंबर पे है हमारा निषेधात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में नहीं का अर्थ निकलता, यानी कि हम अगर सरल शब्दों में कहें तो जहां हमें नहीं शब्द दिया गया है वह वाक्य निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। तो सबसे पहले यहां हमें वाक्य के भेद बताने हैं, तो वाक्य के कितने भेद हो गए, तीन, ठीक है। सबसे पहले हम ले लेते हैं सरल वाक्य, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो वाक्य बिल्कुल साधारण होगा सरल वाक्य कहलाएगा। जैसे हम ले लेते हैं बच्चे खेल रहे हैं, ये क्या है, ये एक साधारण वाक्य है, बच्चे खेल रहे हैं, ये हमारा साधारण वाक्य दिया गया है। उसी प्रकार हम दूसरे नंबर पे लेंगे, यहां एक नंबर पे लिया, ये दूसरे नंबर पे लेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो जहां हम प्रश्न पूछते हैं यानी प्रश्न जहां भी पूछेंगे वहां हमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है, ये ध्यान रखिए। अगर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है तो यानी प्रश्न पूछा गया है, और अगर आप वाक्य बना रहे हैं तो आपको वाक्य में प्रश्न पूछने पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। तो हम यहां ले लेते हैं आप कहां जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, यहां मैं प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर रही हूं, यानी कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अब ले लेते हैं नंबर तीन पे आ रहा है आपका निषेधात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य। यहां मैंने अभी आपको बताया है अगर हम इसको सरल शब्दों में याद रखें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हम नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे वह घर नहीं गया। तो यहाँ निषेधात्मक वाक्य में हमने सिर्फ क्या ढूंढा, नहीं ढूंढा। यहां हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि यहां कहां कहां शब्द है और प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके द्वारा आप बता सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। और निषेधात्मक वाक्य के अंदर हम नहीं ढूंढ कर ये बता सकते हैं कि ये निषेधात्मक वाक्य है। तो इस प्रकार से इस पाठ में आपको क्या ध्यान रखना है कि वाक्य के हमें तीन भेद दिए गए हैं, तीनों भेद में आपका सरल वाक्य यानी कि जो साधारण वाक्य होता है, तो सरल वाक्य बच्चे खेल रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ प्रश्न पूछा गया है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया गया है। विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको कि आप यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह को देखकर भी ये बता सकते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा है। निषेधात्मक मैंने आपको सरल तरीके से बता दिया, जहाँ हम नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं वह वाक्य निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। तो बच्चों अब हम आ गए हैं पाठ 12, आप अपनी बुक देखिए, बुक में पेज नंबर 64 दिया हुआ है शब्द भंडार। तो शब्द भंडार में हम पर्यायवाची, विलोम और साथ में आपके अनेकार्थक और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग, ये चारों पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या होते हैं बच्चों, पर्यायवाची यानी एक समान अर्थ देने वाले शब्द, चाहे उसे हम पर्यायवाची बोलें या समानार्थी बोलें तो वो क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए आपके नंबर एक पे देखिए अग्नि, अग्नि दिया है, आग, अनल, पावक। उसी प्रकार अतिथि आपको टिक करने हैं, मैं 1 से 10 तक, सबसे पहले 1 से 10 तक आपको नंबरिंग दी गई है, आप नंबर पे टिक करते जाइए। अग्नि से लेकर घोड़ा तक आपके 1 से 10 तक पर्यायवाची शब्द हैं, जिसमें आप देखिए आकाश, आकाश हम शब्द ले लेते हैं, आकाश शब्द का हम पर्यायवाची लिखते हैं। ये तो सभी को पता है कि हम कैसे जानते हैं समानार्थी या पर्यायवाची, आसमान,
आकाश को हम आसमान, नभ, गगन, व्योम, ये सभी नामों से जानते हैं। तो यहाँ हमने यहाँ क्या जाना, गगन। तो ये क्या है, समानार्थी शब्द हैं, समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। उसी प्रकार हम एक और ले लेते हैं, जैसे किनारा। यहां किनारा में देखिए, तट, कगार, ये सब समान अर्थ देने वाले हैं, कगार, और साथ में आपका आ गया तीर। ये क्या है, किनारा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रकार से हमने जाना, एक से दस तक हमारे क्या है, ये पर्यायवाची शब्द हैं। बच्चों इनको एक बार आप दोहराएंगे, आप सब जानते हैं समानार्थी यानी समान अर्थ देने वाले शब्द। अब आ जाइए बच्चों पेज नंबर आपके 67 पे। यहाँ आपको विलोम शब्द दिए गए हैं जो 1 से 20 तक हैं। आप टिक करेंगे, 1 से लेकर 20 तक आपके विलोम शब्द हैं। अब आते हैं, हम विलोम शब्द भी जान लेते हैं। जैसे विलोम में हम ले लेते हैं अपना। अब अपना का विलोम, विलोम का मतलब उल्टे अर्थ देने वाला शब्द, विपरीत अर्थ, उल्टा अर्थ देने वाला शब्द विलोम शब्द कहलाता है। तो यहां हमने अपना लिखा, अपना का हो जाएगा पराया। ठीक है, उसी प्रकार हम कोई और शब्द ले लेते हैं, जैसे एक। एक का हो गया आपका अनेक। तो यहां हमने जाना कि जो शब्द उल्टे अर्थ देते हैं वो क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। तो विलोम शब्द आप सबने अपनी बुक में टिक किए हैं, 1 से लेकर 20 तक आपके विलोम शब्द दिए गए हैं। अब आ जाते हैं बच्चों हम अनेकार्थक शब्द पर। अनेकार्थक शब्द वे होते हैं जो एक समान, यानी कि जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ निकलता हो या अर्थ होता हो, एक से अधिक अर्थ जहाँ हमें पता चलते हैं वो हमारे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ लिखने जा रहे हैं अनेकार्थक शब्द, देखिए आप सभी अपनी बुक में पेज नंबर 70 ओपन करिए। इसमें 1 से लेकर 10 तक ये आपके क्या दिए गए हैं, अनेकार्थक शब्द, यानी एक से अधिक अर्थ जो प्रकट करते हैं वो हमारे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। तो यहां हम ले लेते हैं, जैसे अनेकार्थक में आ गया अनेकार्थक, तो हम एक कोई सा भी शब्द ले लेते हैं। जैसे मैं यहां ले लेती हूं आम। आम, आम सुनते ही तो आप सबको पता चल गया ये क्या है। तो यहां हम आम का एक शब्द ले लेते हैं, आम का है यहाँ पर। जैसे एक आम का मतलब होता है सबसे पहले तो एक फल, हम सभी जानते हैं आम एक फल है। तो आम एक फल, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ ले लेते हैं, आम का मतलब होता है सामान्य, हम कहते हैं ना आम लोग, सामान्य लोग, तो यहाँ हम ले लेते हैं सामान्य। तो यहां अनेकार्थ यानी दो अर्थ में दिया गया शब्द है। एक है एक फल, आम यानी एक फल है, हम सब जानते हैं। उसी प्रकार सामान्य शब्द का प्रयोग भी यहां हम करते हैं, साधारण लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए हम बोलते हैं आम लोग हैं, साधारण लोग हैं। तो यहां एक से दो, एक शब्द के यहां दो अर्थ निकल कर सामने आ रहे हैं। उसी प्रकार हम एक और शब्द ले लेते हैं, जैसे कि तीर। तीर का मतलब नाम से हमें पता चल रहा है, तीर का मतलब होता है कि यहां तीर से दे रखा है आपको बाण, तीर चलाना, बाण चलाना। तो यहां एक तो हो गया आपका बाण, और दूसरा अर्थ यहां हो गया आपका यहां पर किनारा। तो यहां हो गया किनारा। जब हमने अभी पढ़ा था, इससे पहले शब्द उठाया था हमने किनारा, तो यहां पर क्या है, दो अर्थों में आ रहा है तीर। तीर का मतलब है यहां बाण,
और साथ में किनारा, नदी का किनारा होता है उसे भी हम क्या बोलते हैं, तीर या किनारा। उसी प्रकार धनुष पे जो हम बाण देखते हैं, बाण होता है उसे हम बोलते हैं बाण। तो इस प्रकार से हमने जाना कि अनेकार्थक, एक शब्द के जब एक से अधिक अर्थ होते हैं वो अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। अब आ जाइए बच्चों, आप अपनी बुक में पेज नंबर 73 पर ये आहा आपको दिए गए हैं, एक से आठ तक, एक से आठ तक टिक करिए आप। एक से लेकर आठ तक एक कॉलम बना हुआ है, उसको पूरा टिक कर लीजिए, ये आपको यहाँ दोहराने हैं। तो यहाँ है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि जब जो हम पूरे वाक्य ना बोलकर जहाँ हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं वो हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। और भाषा को इसी तरीके से प्रभावशाली और सुंदर बनाने के लिए हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अब आ जाते हैं हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करके कुछ वाक्य समझ लेते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है कि हम ले लेते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये हमने पहले भी पढ़े हैं, भाषा को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं यहाँ ले रही हूँ प्रतिदिन होने वाला, ठीक है, प्रतिदिन होने वाला ये क्या कहलाएगा, ये पूरा वाक्य है प्रतिदिन होने वाला। यहाँ हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे वो क्या कहलाएगा, दैनिक। तो यहाँ हो गया दैनिक, दैनिक शब्द जो है इस वाक्य का एक शब्द के रूप में परिवर्तन दिया गया है। उसी प्रकार जिसमें बल हो, जिसमें बल हो, अब जिसमें बल है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर वो कहलाएगा बलवान। तो इस प्रकार से आपको यहाँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं, जहाँ आपको ये सभी बताया गया है कि हम किस तरीके से संपूर्ण वाक्य को एक शब्द में परिवर्तित कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने पाठ 2, पाठ 9 और पाठ 12 का दोहरान किया है। आशा है मुझे कि आपने बहुत अच्छे से दोहरान को समझा होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।